सभी गाइस आज हम लोग करने वाले हैं फोर स्टेप फेशियल। इसके लिए आपको चाहिए होगा एलोवेरा जेल, फेयर एंड लवली फेस वॉश एंड सम स्पेशल रेसिपी स्क्रब और हैंग की वाटर भी चाहिए होगा एंड मॉइस्चराइजर कोई सा भी चलेगा। एंड स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, अभी हम लोगों को अपने हेयर्स को कवर कर लेना है और साथ ही साथ चाहें तो आप जूड़ा बना सकते हैं। मैंने हेयर बैंड लगा लिया जैसे आप मेरे बाल मुंह पे नहीं आएंगे। तो अभी हम लोग गीले पानी के रुमाल को पानी में डाल देना है एंड देन अपने फेस को उस क्लीन रुमाल से वाइप कर लेना है और अपने उस हैंकी को वापस वाटर में ही डाल देना है। फेस वॉश को लेना है अपने हाथ पे और उसके बाद ये मिरेकल देखिए क्या है। आप कर सकते हैं तो डू कमेंट डाउन। और इसके बाद अपने फेस पर इस फेस वॉश से मसाज करना चालू कीजिए। सो इससे आपके फेस की जो भी गंदगी है, भले ही अगर आप फेस कितना भी वॉश करते हैं फिर भी अगर आप फेस वॉश को यूज़ करेंगे तो आपके फेस के अंदर तक की जो भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। एंड देन इसको वाटर वाले हमारे हैंकी के साथ वाइप कर देंगे। इससे अब हमारा फेस क्लीन हो जाएगा। स्प्लैश करके भी एक बार साफ किया है हमने एंड देन फिर से हमारे हैंकी को लेके हम अपने फेस को एक बार फिर से टैप 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 डैप 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 करके फिर से साफ कर लेंगे। एंड देन नेक्स्ट हम लोग ले लेंगे अपने मॉइस्चराइजर जो ऐसे नहीं निकल रहा है, इसको मार मार के निकालना पड़ा, पर हाँ निकल तो आया ही ना, बात ये निकल आया, दैट्स इट। सो गाइस इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, 2-3 बूंद, ज़्यादा नहीं। एंड देन इसको फेशियल को की तरह हम अपने फेस पे मसाज करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि मसाज कैसे करते हैं तो मैं एक और वीडियो डालूंगी मसाज से रिलेटेड, द हाउ टू डू मसाज, हाउ टू डू फेस मसाज। सो गाइस अभी हम लोग लिप्स कॉर्नर्स पे भी करेंगे। सो गाइस डैप 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 और फिंगर्स के थ्रू हम अपने फेस पे हल्की हल्की स्लैपिंग करेंगे, ज़्यादा टाइटली नहीं। एंड देन हम वाटर को भी अपने फेस पे मसाज करेंगे जिससे हमारे फेस पे जो भी क्रीम बची है वो निकल जाएगी। और अब हम अपने फेस को वाइप करेंगे। अब हम लेंगे एक नेचुरल आइटम मीन्स एलोवेरा जेल, या आप हैंडमेड वाला भी ले सकते हैं, हैंडमेड वाला जो 100% प्योर नेचुरल होता है। बट अभी हम लोगों ने ले लिया है पतंजलि वाला एलोवेरा जेल। इससे भी हम अपने मसाज करेंगे फॉरहेड पे, चीक्स पे। इसको ना हम अपने फेस पे ही वैसे ड्राई होने देंगे, पर अगर आपके फेस पे ड्राई नहीं हो रहा है, अगर आपकी स्किन ब्राइट नहीं है, एकदम अच्छी स्किन है, देन इट्स नॉट गोना ड्राई सो ईजीली। सो इसलिए मैं अपने फेस पे वाइप कर लूँगी क्योंकि मेरी स्किन ड्राई नहीं है, मेरी स्किन एक नॉर्मल स्किन है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। फिर भी हमें आफ्टर 15 डेज फेशियल करता रहना चाहिए। अभी हम लोग लेंगे कॉफ़ी पाउडर एंड एनी स्क्रब, हिमालय प्योरीफाइंग नीम स्क्रब को मैं यूज़ करने वाली हूँ। एंड देन हम लोग करेंगे इसको मिक्स। एंड देन हमारा एक न्यू कॉफ़ी स्क्रब रेडी हो जाएगा। इसको हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। आप कोई हल्की हल्की जलन देगा, इसका मतलब ये है कि आपके फेस पर वाटर की कमी है या फिर आपके फेस पर इशूज़ हैं। सो गाइस इसका कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। मैंने खुद यूज़ किया है, आपके सामने यूज़ किया है। सो इसीलिए इसको हम 2 मिनट लगा के छोड़ेंगे एंड देन अपने फेस पर इसकी मसाज करेंगे। बिल्कुल टाइटली नहीं करना है, एकदम लाइटली हैंड्स को यूज़ करना है। एंड देन हम लोग इसको अपने नेक पर भी अप्लाई करेंगे, पर नेक पर ज़्यादा नीचे नहीं करना है। और हाँ, अंडर आइज भी कर लेना, इससे आपके डार्क सर्कल्स भी कम हो जाएंगे। और हाँ, कॉफ़ी आपके ना पोर्स को फिल कर देती है और आपकी स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है। इसको करने के बाद मैंने भी यही फील किया था कि मेरे चीक्स, मेरी चिन, मेरी नोज सब कुछ एकदम स्मूथ हो चुका है गाइस। सो गाइस इसको ज़्यादा टाइटली मत करना, आपको हल्की हल्की जलन होगी, उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, पर ज़्यादा ज़ोर से बिल्कुल पेन नहीं होने वाला है। एंड देन उस कॉफ़ी स्क्रब को हम रिमूव कर लेंगे। तो देखिए आ चुका है हमारा ये चांसर रशियन चेहरा हमारा। सो गाइस अभी हम लेंगे एलोवेरा जेल, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा। एंड देन इसको हम अपने फुल फेस पर अप्लाई करेंगे क्रीम की तरह, फिर थोड़ी थोड़ी मसाज करके इसको ड्राई कर लेंगे। फिर भी मैं अपने फेस को वाइप कर रही हूँ क्लीन टॉवल से, और वो भी ड्राइड वाली, वो वाटर वाली टॉवल अब हमें यूज़ नहीं करनी है। अब हमें उस वाटर वाली टॉवल का कोई भी काम नहीं है। अभी हम लोगों को लेना है अपना कोई सा भी मॉइस्चराइज़र। सो मैंने लिया अपनी एक बायो फ्रेश वाली फ्रूट क्रीम, फिर मैं लूँगी अपनी वीजॉन वाला लिप गार्ड एंड देन इसको अपने होंठों पर लगा लूँगी एंड हमारा लुक रेडी हो चुका है गाइस। मैं एकदम, हमारा फेस ग्लो करने वाला है। आप भी इसको जरूर ट्राई करें एंड अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबा के जाइएगा। बाय बाय।